भी कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, योगा अलग जगह पे है, आपका जिम, आपके डंबल्स, आपकी हीट वर्कआउट, सब कुछ अलग है। बहुत टाइम से योगा सब कुछ स्टार्ट किया, तो उसकी वजह से मुझे ये डिफरेंस नोटिस हुआ कि मैं कंटिन्यूअसली अबाउट 6 to 7 minutes रन कर पाई। मतलब मेरे लिए तो भाई अचीवमेंट है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई जस्ट होप आप सब लोग ठीक होंगे, आपकी लाइफ फैंटास्टिक चल रही होगी और आप सब लोग बहुत खुश होंगे। आई जस्ट होप दैट। ओके, तो इस बार मैंने 30 डेज का योगा चैलेंज लिया था। तो मेरा योगा चैलेंज लेने का रीजन थोड़ा सबसे अलग है। मैंने इसलिए योगा चैलेंज लिया था बिकॉज मैं 15 दिन पार घूमने गई थी, इसलिए मेरा एक्सरसाइज का पूरा रूटीन चेंज हो गया था। मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी तो मुझे वो पूरे मतलब रूटीन में आने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी और मुझे मूड ही नहीं हो रहा था कि मैं फिर से वर्कआउट करूं। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ काम, अपने माइंड को सेटल हो, ऐसा कुछ तो करना है। और हम सबको पता है कि योगा के बेनिफिट्स क्या क्या है, कैसे है, इसलिए मैंने इस बार योगा चैलेंज लिया देखने के लिए कि वो सच में कुछ इफेक्टिव है कि बस ऐसे ही लोग बोलते हैं। सो योगा के 3 बेसिक एलिमेंट्स है, वो है आसन, प्राणायाम एंड ध्यान। सो आसनास मतलब पोजेस, योर फिजिकल पोस्चर्स, जिसमें आपकी पूरी बॉडी की मूवमेंट चल रही है, योर लेग्स एंड हैंड्स एंड बैक और सब कुछ की मूवमेंट चल रही है, और जो आपकी बॉडी को ज्यादा स्टेबल एंड फ्लेक्सिबल बनाती है उसको हम आसनास बोलते हैं। बेसिकली योगा में ये चीज बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके पोजेस, कि अगर आप करेक्ट वे से वो पोज करते हो तो आपकी बॉडी स्टेबल होगी, फ्लेक्सिबल बनेगी और स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब कि ब्रीदिंग, कि आपका आपकी जो ब्रीदिंग चल रही है, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, जो मूवमेंट में, जो स्पीड में चल रही है, जिसकी वजह से आपका फोकस ब्रीदिंग पे रहता है और आपका माइंड काम होता है, स्ट्रेस रिलीव होता है, एंजाइटी दूर होती है और आपका फोकस भी बढ़ता है। एंड थर्ड है ध्यान। ध्यान मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कि सिंपली आप एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। योगा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए क्योंकि आप जब योगा करते हो उस टाइम पे आप एक तो ब्रीथिंग पे फोकस कर रहे हो और दूसरा आप अपना पोस्चर करेक्ट कर रहे हो, तो इसलिए ये दोनों सिंक होता है, योर फिजिकल मूवमेंट एंड योर ब्रीथिंग, वो दोनों सिंक होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देखने मिलते हैं, जैसे एंजाइटी दूर होती है, स्ट्रेस रिलीव होता है और आप में स्टेबिलिटी आती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था, तो मैंने जब फर्स्ट डे को योगा स्टार्ट किया था तब मुझ में इतनी स्टेबिलिटी नहीं थी, मैं एक पोज 5 सेकंड भी होल्ड नहीं कर पाती थी, बट जैसे मैंने हर रोज करते गई, और एक दिन ऐसा था कि बीच में मेरा मूड अच्छा नहीं था, बट उस दिन ऐसा हो रहा था कि नहीं, मुझे योगा भी नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ रोना ही आ रहा था उस दिन, बट उस टाइम पे भी मैंने 25 मिनट्स योगा किया, और जब मैंने योगा कंप्लीट किया 25 मिनट के बाद, तब तक मेरा 80% मूड अच्छा हो गया था। बिकॉज ये जैसे मैंने बोला, जैसे हमने एलिमेंट्स देखे कि वो सब कुछ जिस पे हम ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, हम लोग पोस्चर पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से आपका मूड भी इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करते हो, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है और मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो हाँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया था वन डे, और जब मेरा 30 डेज का चैलेंज कंप्लीट होने आया था उस टाइम पे मेरी स्टेबिलिटी काफी बढ़ गई थी। मतलब मैं मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई थी, मैं बहुत सारा कुछ आसनास थे जो मैं फर्स्ट डे को नहीं कर पा रही थी प्रॉपरली, वो मैं लास्ट डे को मैं कर पा रही थी अच्छे से, तो ये मैंने इम्प्रूवमेंट देखी है। और योगा में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पोज कैसे कर रहे हो, बिकॉज करेक्ट आसनास करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप करेक्टली नहीं कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम हो भी सकता है, जैसे आपको बैक प्रॉब्लम भी हो सकता है, नी का प्रॉब्लम भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। इसलिए
करेक्टली वो आसनास करने बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो मैंने मेक श्योर किया। मैं उस टाइम पे फोकस नहीं कर रही थी कि मेरी कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है, बट मैं ये जरूर फोकस कर रही थी कि मेरा पोस्चर करेक्ट है। तो हाँ, उसकी वजह से भी मुझे ज्यादा बेनिफिट हुआ। और दूसरा कि मुझे कोई भी दिन मुझे स्वेटिंग नहीं हुआ, मुझे पसीना एक भी दिन नहीं आया। और 30 डेज में जनरली हीट वर्कआउट में आप 150-200 कैलोरी बर्न कर सकते हो, बट योगा में मेरी नहीं हुई। योगा में 75 या 80 कैलोरीज ही बर्न होती थी। तो अगर आपको जल्दी वेट लॉस करना है तो योगा इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। अगर आपका पर्पस है सिर्फ वजन कम करना तो योगा एक महीने में इतना रिजल्ट नहीं देगा जितना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट देता है। योगा के कुछ कुछ पोजेस है जो आप परफॉर्म कर सकते हो, बट इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना हाई इंटेंसिटी होता है, बिकॉज उसमें कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है। बट उसके अलावा सारे बेनिफिट्स योगा में, सारे, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस रहेंगे, आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव करेगा, आपका गट हेल्थ इम्प्रूव करेगा, आपकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव करेगा, आपका फोकस इम्प्रूव करेगा, और इवन आपकी स्किन भी अच्छी होती है, बिकॉज आप ब्रीदिंग प्रॉपरली करते हो। इसकी वजह से आपकी स्किन ज्यादा इम्प्रूव होती है और अच्छी रहती है। और हम लोगों ने देखा होगा कि जो लोग योगा करते हैं वो ज्यादा यंग दिखते हैं। तो डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड यू टू ट्राई योगा एटलीस्ट फॉर 21 डेज। अगर आपको 30 डेज नहीं करना है तो एटलीस्ट 21 डेज। अगर 21 भी नहीं करना है तो 7 दिन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो आई होप आप सबको भी अच्छा लगेगा। मैंने ये चैलेंज लिया था योगा विथ एड्रीन, क्योंकि उसके वीडियोस बहुत मुझे काफी अच्छे लगे थे और उसके योगास भी काफी अच्छे लगे थे। मैं उससे काफी इंस्पायर हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू।